ठीक है। अब जैसे मैं एक एग्जांपल लेके दिखाता हूँ, जैसे ये तुम ए मैट्रिक्स देखो, ठीक है। इस ए मैट्रिक्स का अगर तुम डिटरमिनेंट कैलकुलेट करोगे तो क्या होगा, 0 -(-4) + 4, तो वो तो इक्वल टू 0 नहीं आया, बट ये इवन ऑर्डर का, एक 2 बाई 2 ऑर्डर का स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। तो यहाँ से हमें इसका डिटरमिनेंट क्या मिला, नॉट इक्वल टू 0। और इसके बाद हम लोग देखते हैं, एक बी मैट्रिक्स लिया, नल मैट्रिक्स लिया, अच्छा ठीक है। एक बात और, जो नल मैट्रिक्स होता है ना, इवन ऑर्डर का, सॉरी, नल स्क्वायर मैट्रिक्स जो होता है वो स्क्यू सिमेट्रिक भी होता है और सिमेट्रिक भी होता है, याद रखना। नल मैट्रिक्स इज बोथ सिमेट्रिक एज वेल एज स्क्यू सिमेट्रिक। तो ये मैंने 2 बाई 2 ऑर्डर का एक नल मैट्रिक्स लिया, तो ये स्क्यू सिमेट्रिक भी है और सिमेट्रिक भी है। अब अगर मैं इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करूंगा तो ये तो 0 आ जाएगा, किसी भी नल मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 होता है। तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि एक 2 बाई 2 ऑर्डर का, इवन ऑर्डर का स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट वैल्यू 0 आ गया। और फिर यहाँ से हमें क्या पता चला कि एक 2 बाई 2 ऑर्डर का, इवन ऑर्डर का डिटरमिनेंट वैल्यू क्या मिल गया, ये भी हमें 0, ये नॉन जीरो मिला। तो कुछ भी हो सकता है, इसका क्या मतलब है कि हम इवन ऑर्डर के स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट पर कोई कमेंट नहीं करेंगे। इट कैन बी 0, इट कैन नॉट बी 0, बट ऑड ऑर्डर का जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा उसका डिटरमिनेंट हमेशा 0 होगा, ठीक है। इसी बात को मैंने एक छोटा सा स्टार बना के लिख दिया, नल स्क्वायर मैट्रिक्स इज बोथ सिमेट्रिक एज वेल एज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया, याद रखना। अब आ जाते हैं सेकेंड पॉइंट पर, सेकेंड नोट पर। सेकेंड नोट में क्या बोल रहा है, इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, अगर हमारे पास ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है एन ऑर्डर का, तो पहले क्या बोल रहा है ए पॉइंट में, ए प्लस ए ट्रांसपोज विल बी अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए माइनस ए ट्रांसपोज विल बी ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये क्या बोल दिया इस नोट में, इस नोट में ये बोला, जैसे देखो इस नोट में क्या बोला, इस नोट में बोला कि हमारे पास ए जो है एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये क्या हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर एन, एन ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑर्डर एन। तो ये क्या बोल रहा है कि ए प्लस ए ट्रांसपोज, ये जो मैट्रिक्स होगा ना, ये हमेशा एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही होगा। इसका मतलब क्या है कि तुम किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स में उसके ट्रांसपोज को ऐड करोगे तो वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन जाएगा, और ए माइनस ए ट्रांसपोज ये हमेशा एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ये क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। इसका क्या मतलब है कि तुम किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स में अगर तुम ए ट्रांसपोज उसके ट्रांसपोज को सब्ट्रैक्ट करोगे तो वो हमेशा एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन जाएगा, ठीक है। अब प्रूफ क्या है, प्रूफ देख लो, बहुत आसान है। हमने क्या किया, ए प्लस ए ट्रांसपोज, इसे हमें क्या प्रूफ करना है कि एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। तो ये हमें प्रूफ करना है, तो ए प्लस ए ट्रांसपोज ये भी तो एक खुद मैट्रिक्स है ना, मान लो कि इसको हमने सी बोल दिया, सपोज डेट सी बोल दिया, ठीक है। अब मैंने क्या किया, यहां से सी का ट्रांसपोज लिया, तो सी का ट्रांसपोज लूंगा तो क्या हो जाएगा, ए प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। अब ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी हमने ऑलरेडी कर रखी है, ए प्लस बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस प्लस बी ट्रांसपोज। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए ट्रांसपोज प्लस बी की जगह ये काम कर रहा है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। तो ए ट्रांसपोज तो ये रह गया, ये ए का डबल ट्रांसपोज हो गया, तो इसको हम ए लिख देते। तो हमें यहाँ से क्या पता चला, सी ट्रांसपोज इज इक्वल टू, इसको पलट के लिख दिया, मैट्रिक्स का एडिशन कॉम्यूटेटिव होता है, तो पलट के लिख दिया, तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, ये फिर सी मिल गया। तो यहां से हमें क्या पता चला, C इज इक्वल टू सी ट्रांसपोज। दिस इंप्लाइज दैट जो C जो A प्लस A ट्रांसपोज के इक्वल है, ये हमारा एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया, क्लियर है ये। अब आ जाओ, हमें क्या प्रूफ करना है, A माइनस A ट्रांसपोज को स्क्यू सिमेट्रिक प्रूफ करना है। तो मान लो कि हमने D बोल दिया, A माइनस A ट्रांसपोज को, इस मैट्रिक्स को हमने D बोल दिया, तो D ट्रांसपोज क्या होगा, ए माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। फिर इसको लिखा ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज ट्रांसपोज, ये हो गया ए ट्रांसपोज माइनस ए, इससे मैंने माइनस कॉमन ले लिया, तो ये हो गया ए माइनस ए ट्रांसपोज, ये क्या हो गया, फिर हमारा डी हो गया, तो माइनस डी हो गया, तो हमें क्या मिला, डी ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस डी। तो यहाँ से हमें क्या पता चला, डी इज इक्वल टू माइनस डी ट्रांसपोज। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि डी इज इक्वल टू जो हमारा ए माइनस ए ट्रांसपोज है, ये एक स्क्यू
सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, यही प्रूफ करना है, ठीक है ना। तो इसी बात को यहां प्रूफ कर रखा है, देख लो, ठीक है, ये देख लेना, ए प्रूफ बी प्रूफ यहां तक प्रूफ कर रखा है। अब आ जाओ थर्ड नोट पर। थर्ड नोट क्या बोल रहा है, एक्चुअली ये जो सेकंड नोट है, ये थर्ड नोट है, ये एनसीईआरटी का नोट है, ये इंपॉर्टेंट नोट है। और इस थर्ड नोट पर याद रखना, ये इंपॉर्टेंट नोट है, बोर्ड जो एग्जामिनेशन होता है ना, जेके बोर्ड का एग्जाम या सीबीएसई बोर्ड का एग्जाम, इसमें ये थर्ड नोट पर बेस्ड एक क्वेश्चन वो अक्सर पूछते हैं, ठीक है। जनरली हर साल एक क्वेश्चन रहेगा, चाहे वो शॉर्ट में हो लॉन्ग में हो, एक क्वेश्चन पूछ देते हैं। तो ये हमारे लिए बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है थर्ड नोट। यहाँ थर्ड नोट में क्या बोल रहा है, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए कैन बी रिटन एज द सम ऑफ ए सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। दुनिया का कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स ले लो, उसको तुम एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स और एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के टर्म में लिख सकते हो या टर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो, ये बोला जा रहा है। मतलब क्या है वो अभी देख लेते हैं। अब तुम पहले ये बताओ, चलो इसको मैं समझाता हूँ यहाँ पे।